2 deal with effect of dielectric slab. Pehla case kada 31 tha. Effect of dielectric. Ye hai battery connected. To dusra jada case hai. Second one. That is battery disconnected. So the arrangement is a battery, parallel plate capacitor, applied voltage is V, and the dielectric slab is outside. The dielectric constant epsilon r. Say 2. Competition to have a question. One by one check karne hai. Edhe what is given? The applied voltage, then a charge aayega. Mark karna rahega sika. When you apply voltage, that's a charge aayega. It is applied voltage is V, capacitance is C. Charge is Q and energy stored is U. The question is, in case you move this slab inside, the dielectric slab that you insert, four parameters, voltage, capacitance, charge and energy stored. Four questions are objective. Then further questions are those of the combination. फिर more than one choices दे विच तीन तीन चार चार दे विच बने हुए हैं, so approximately 20 objective questions हैं, which deal with the same concept. Simple है, जो logic पता लग जाएगा हमने कर लेने हैं, ऐसे विच this is before inserting the slab, फिर तो सिर्फ की था, तो ये slab विच push करती. अगर इस स्लैब इंसर्ट करती, क्वेश्चन इज इन सारे पैरामीटर्स का की फर्क पड़ेगा. व्हाट इज द न्यू वोल्टेज? चाहे बुक दे विच ऑर्डर जो भी दिता हुआ है, बुक दे विच पहला की दिता हुआ है कैपेसिटेंस दिता हुआ है. लेट द न्यू वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज वी डैश, कैपेसिटेंस इज सी डैश, चार्ज इज क्यू डैश एंड एनर्जी इज यू डैश. पहले दे विच असी वोल्टेज कर सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज इज वी, वी डैश बोलो कितना आएगा, सेम वोल्टेज. क्यों? बैटरी लगी हुई है इतने, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, 10 वोल्ट बैटरी, इट्स द सेम बैटरी कनेक्टेड, सो वी डैश इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू वी. टू, कैपेसिटेंस ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज और चार्जेस. खाली कैपेसिटी हो गए उसी तक कैपेसिटी है. फार्मूला बोलो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी. एदे विच एप्सिलॉन आर कितना सी? इस केस दे विच इट इज एयर इनसाइड, इट इज एयर और फ्री स्पेस. सो इस केस कैपेसिटेंस कितनी सी? एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ए बाय डी. दिस कैपेसिटेंस सी डैश इज हाउ मेनी टाइम्स? एप्सिलॉन आर टाइम्स 3. चार्ज Q डैश, कोई फार्मूला होगा? फार्मूला बोलो, C इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू Q बाय V. ये फार्मूला है. सो Q इज इक्वल टू व्हाट? C इनटू V. ये कितना आ गया? C डैश इनटू V डैश. C डैश इज हाउ मेनी टाइम्स? एप्सिलॉन R टाइम्स. V डैश इज हाउ मेनी टाइम्स? सेम. सो इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स चार्ज. लास्ट, एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला बोलो, 1/2 सी वी स्क्वायर. एदे न्यू एनर्जी स्टोर्ड यू डैश इज इक्वल टू 1/2 सी डैश इंटू वी डैश द स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 1/2 सी डैश इज हाउ मेनी टाइम्स सी?
epsilon r times v dash is how many times? Same. So it is equal to epsilon r times u. So voltage remains the same. Capacitance is epsilon r times. ये तो सारे केसेस के एप्सिलॉन आर टाइम्स रहूँगा बिकॉज वो तो बैटरी कनेक्ट करो या ना करो दैट मेक्स नो डिफरेंस. चार्ज इज हाउ मेनी टाइम्स? एप्सिलॉन आर टाइम्स. एंड एनर्जी स्टोर्ड इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर टाइम्स. इफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू टू फिर की हो गया कैपेसिटेंस कितने गुना होगी? दो गुना. कैपेसिटेंस का मतलब भी यही है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज. वोल्टेज सेम ही है तो कैपेसिटी बेसिकली दो गुना करती थी. चार्ज दोगुना हो गया. एनर्जी स्टोर्ड इज ऑल्सो टू टाइम. फोर मिनट्स टू राइट. देख लिया क्वेश्चन नंबर 32 देखो कि ये इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक किस तरह बैटरी डिस्कनेक्टेड. सर लैब से एक्सपेरिमेंट करना है एक्सपेरिमेंट के मैं करूंगे पहले तो चार्ज तो चाहिए कि नहीं तो पहला जड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे दैट एक्सपेरिमेंट इज टू टेक अ कैपेसिटर खाली कैपेसिटर है इन्हें चार्ज करने वास्ते एक बार तो बैटरी लगानी पड़ेगी कि नहीं तो यू अप्लाई वोल्टेज वी ऐसे वोल्टेज एज इट इज आते कि नहीं
So now you disconnect the battery. The electric slab is lying as it is. ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ, ਨਾਓ ਯੂ ਪੁਸ਼ ਦਿਸ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਇਨ। ਅਗੇਨ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, capacitance same, epsilon naught A by D, charge, there is a value of charge Q which is equal to CV, energy stored, here is 1 by 2, CV square. Now, the next step is, that means basically comparison between this and this, you have to push this, the electric slab in, फिर की होगा, what is the new value, अगर उसी गल करोंगे, तो फिर वापस उत्थे शुरू करना पड़ेगा, what is the new value of the voltage V dash, what is the new capacitance C dash, what is the new charge Q dash, or je chahiye ta assi ede ch order change kar sakde haan, jehda itthe likhya main solve karde vakt inna da order apne aap change ho jauga। pehla part ede vich ki same rehnda hai, why charge remains the same, why, because whatever you charge on this plate sin push karoge charge is tarah ta flow hi nahi kar sakda, circuit loop hi nahi pura hoya, to dekhde ho itthe ek wire le li, ek single wire connected across a fan or bulb, dusri wire wapas le aake ide vich na pao, glow karda hai bulb nahi karda, kyon, circuit nahi pura hoya, चार्ज उद तक फ्लो नहीं करता जो तक सर्किट पूरा नहीं हो जाता, दैट इज वाई चार्ज रिमेन्स सेम। सो अगर ऑर्डर की गल करोगे क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू, चले आ लिख दो, कैपेसिटेंस उसका फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इज ए कैपेसिटेंस ओरिजिनल, द न्यू कैपेसिटेंस इज हाउ मेनी टाइम्स एप्सिलॉन आर टाइम्स, दो पता लग गए, दो ही पता लगने चाहिए, तीसरा क्या पता लगता है, रिलेशनशिप सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी और वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी, वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश बाय सी डैश, क्यू डैश की देखो है क्यू देखो है सी डैश की देखो है एप्सिलॉन आर टाइम, सो Q by C की चीज है वोल्टेज V है by epsilon R, वोल्टेज अगर epsilon R की वैल्यू 2 है हाफ रह जाएगी वोल्टेज, कैपेसिटेंस 2 टाइम्स, चार्ज रिमेन सेम, एनर्जी फार्मूला ऑफ योर चॉइस, जो तुम 1 बाय 2 सी वी स्क्वायर याद रह गया 1 बाय 2 सी वी स्क्वायर लिख देना, कोई होर 1 बाय 2 वी क्यू भी होंगे वो याद रह गया वो कर देना, सारे नाल आंसर सेम आता है, 1 बाय 2 सी वी करके देखा 1 बाय 2 सी वी स्क्वायर सी डैश वी डैश स्क्वायर की देखो ले 1 बाय 2 सी डैश कितने गुना है एप्सिलॉन आर टाइम वी डैश वी बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये बन गया 1 बाय 2 सी वी स्क्वायर एप्सिलॉन आर है एप्सिलॉन आर स्क्वायर है, की आऊगा 1 बाय 2 सी वी स्क्वायर by epsilon r is equal to u by epsilon r, ये बन हो गया। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो 1 by 2 v q करके देख लो, q remains same, v dash कितने गुना है 1 by epsilon r times, so it is 1 by epsilon r times u, जरा मर्जी में थक सोचो, अगर ऐसा तक भी ठीक है थिंक ऑफ एनी फार्मूला, और भी कोई फार्मूला होगा, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू रिमेन्स सेम, सी इज हाउ मेनी टाइम्स एप्सिलॉन आर टाइम्स, सो एनी ऑफ द गिवन फार्मूला जोड़ा भी याद रह जाए, बट 1 बाय 2 सी वी स्क्वायर जनरली याद रहता है। कंक्लूजन इज यस, शुरू कितों करेंगे, चार्ज रिमेन्स सेम तो कैपेसिटेंस किन्ने गुना एप्सिलॉन आर टाइम्स, दो पैरामीटर पता लग जाए, तीसरा क्यों पता लगेगा, फार्मूला रिलेशनशिप
चौथा वो भी फार्मूला है 4 मिनट्स टू राइट। पेज 163, 1/163। गिवन की क्यों ले तो पहले डायग्राम नाउ चेक करो ये दोनों क्वेश्चन जो 31 क्वेश्चन पर 31 का क्वेश्चन है कि 32 का क्वेश्चन है चेक करके दसो पहले पहले कंपटीशन चाहिए नहीं पता लगता कि 31 आया कि 32 आया यस इनिशियल वोल्टेज वाज गिवन कितने से वोल्टेज कितने देते हुए बोलो 3000 वोल्ट गिवन एंड फाइनल वोल्टेज वी डैश वी इज गिवन एज 3000 वी डैश इज गिवन एज 1000 एग्रीड और क्या देता है एरिया गिवन है कितना 0.2 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द 2 मीटर और बोलो सेम कितना सेम है 0.01 ही है एप्सिलॉन आर कितना है पता करना है पहले पता करना है एम आई राइट कि मैं आ जाऊंगा यस वी एंड वी डैश चेक करो की है वी इज 3000 वी डैश इज इक्वल टू वी बाय एफ एन आर तो ये पार्ट की पूछे वाले बोलो पहले कि नहीं प्रश्न है सी एफ एन नॉट ए बाय डी एफ एन नॉट नोन है ए नोन है डी नोन है कैलकुलेट कर लेंगे बी पार्ट बोलो की है चार्ज कदों एनी टाइम क्योंकि दोनों ये चार्ज की है सेम है
क्यू पता करना है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, कैपेसिटेंस एथम आ जाएगी, वोल्टेज 3000 है। नेक्स्ट एप्सिलॉन आर पता करना है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू व्हाट, वी वी बाय वी डैश, वी कितना सी 3000, वी डैश 1000, कितना गया 3। चलो कुछ तो पता लगे ना, बी बोलो कैपेसिटेंस आफ्टर, आफ्टर कितना है कैपेसिटेंस, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी। जो आंसर ए दा है, डी का आंसर 3 टाइम्स है, अगर मोर देन वन होवे, सॉरी अगर ये क्वेश्चन आ जाए इस तरह, तो पहले ये सी पता कर लो, तो सी डैश चॉइसिस देखो, जिधर 3 टाइम्स आ रहा है वही आंसर है, फिर सानू सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं हैगी। फाइन, दो चॉइसिस आ रहा होगा, फिर और देखांगे, करो कैलकुलेशन। वन मिनट मोर कर लो, ए आ गया तो डी आ जाएगा, सी सॉल्व किया हुआ है, दैट मीन्स कला ए पार्ट सॉल्व कर लो, सिर्फ ए पार्ट सॉल्व कर लो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.854 इन 10 to the -12, कॉम्पिटिशन 8.854 में 9 देख लिया करो। यस, एक बड़ा ई पार्ट है लास्ट ऑन द एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। ये रिलेटिव अगर आप गल करेंगे रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 6, तो डेंसिटी कितनी है 6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की कितनी है 1 kg पर लीटर और 1000 kg पर मीटर क्यूब, ਮਸ਼ੀਨ ਨੰਬਰ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਐਪਸਾਇਲਨ ਪੁੱਛਦਾ ਈ ਪਾਰਟ ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰ ਲਓ 8.854 ਇਨਟੂ 10 ਇਸ ਪਾਰ ਮਾਈਨਸ 12 ਇਨਟੂ ਐਪਸਾਇਲਨ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ थ्री नहीं एट प्रेजेंट कर रहे हैं, 34 कर रहे हैं, 33 तो टाइम लगेगा इस करके।
4 देखो की है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं क्वेश्चन, 4 नोट्स दे विच क्वेश्चन नंबर 34 कितना है थोड़ा पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स ए इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता घबरा होना ए इंडिपेंडेंट जोड़े पार्ट देते हुए हैं दो दो नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तो है ही है मैं पहले 1 और 3 करूंगा 34 तो फर्स्ट पार्ट की है की पता करना है ई पता करना है तो सी पार्ट की है पोटेंशियल पता करना है ठीक है ना तो लिख देने आप ई एंड वी कितने पता करना है इनसाइड कंडक्टर यही गल कर लेंगे पहले भी किया है आ कंडक्टर द मोमेंट यू प्लेस सम चार्ज चार्ज की करूंगा पुश करेगा दैट मीन तुम इतने रखता इतने रखता एक करेगा पुश करेगा कदों तक जो तक यह सरफेस नहीं चला जाता सो द होल चार्ज रिजाइड्स ऑन यस द होल चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस पहले ई पता कर लेने था ई सिर्फ डायग्राम देख के एज अ फंक्शन ऑफ आर कर लो इलेक्ट्रिक लाइन्स इनसाइड होनगियां नहीं होनगियां लाइन्स आर ओनली आउटसाइड ई एज पर डेफिनेशन नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया अंदर लाइन्स है ही नहीं सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल कम आउट व्हाट 0 ई इन इज 0 ये असि पहले भी किया है आउटसाइड पता करना हूँ किसी भी पॉइंट पी ते पता करना है लेट दिस बी एट डिस्टेंस आर सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो प्रूव हो गया 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी विच इज आउटसाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ लाइन्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना बनता है एट डिस्टेंस आर द सरफेस एरिया इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर ये शुरू तो यही चली जाता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये 10 बार तो आप प्रूव करता ठीक है हूँ भी याद ना रहा तो फिर जमा दिमाग से बोझ ना पाया जाए ठीक है फिर कोई होर वधिया फील्ड चूज करो कोई पेंटिंग करो कुछ होर वधिया फिल्म इंडस्ट्री से जाओ ठीक है वी पोटेंशियल बोलो पोटेंशियल किवें आता होंगे बोलो किसी भी पॉइंट से पोटेंशियल पता करना है इट इज एरिया टू द राइट ऑफ दैट पहला इनसाइड की गल करो क्योंकि असं इनसाइड वास्ते ज़्यादा इंटरस्टड है इतने क्वेश्चन ये है इनसाइड वी किमें आऊगा बोलो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर ई इन है कि 0 माइनस डी वी बाय डी आर इंप्लाई वॉट वी इज कॉन्स्टेंट सिंपल सा लॉजिक है ई 0 है तो वी क्यों होना चाहिए अगर आ 0 है तो वी क्यों होना चाहिए कॉन्स्टेंट इनसाइड आ गया कॉन्स्टेंट तो आउटसाइड असी डेरिवेशन पहला भी की भी है वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर बस मैं रिजल्ट लिख रहा क्यू बाय क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर आउटसाइड पोटेंशियल क्यों वेरी करता है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एक बार फिर तो रिवाइज हो गया किता पहले भी होया फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं ऑल चार्जर रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इफ ई इज नॉट 0 इनसाइड ई विल एग्जर्ट अ फोर्स ऑन द चार्ज एंड मूव इट टू द सरफेस जो मर्जी कर लो थर्ड पार्ट
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वैल्यू इज सेम एज दैट ऑन द सर्फेस। ई इन जीरो है, सो वी इन किन्ना आ जूगा, सर्फेस की गल करते हैं सिर्फ, सर्फेस से पोटेंशियल ऑन द सर्फेस इज इक्वल टू वट, यदि वैल्यू कितनी आऊगी, क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन आर। 4 मिनट्स टू राइट। ए कर रहे हैं हजे, तो इन्ना जल्दी नहीं करना, ठीक है, हफ्ते से कोई सिलेबस खत्म करना है, ठीक है, पहला कर लो फिर अगला कराना है, सेकंड से फोर्थ पार्ट करा रहे हैं मैं, ये तो कनेक्टेड होने करके इकट्ठे कराते, ठीक है। ये कड़ा चैप्टर है, ई फाइंड आउट करना 1b, ये कड़ा चैप्टर है 1c पोटेंशियल पता करना, तो जे तुम क्यू बाय वी लिखते इतने, क्यू बाय वी इज इक्वल टू 4πε r, तो की है 1d चैप्टर है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4πε r। तो जो तुम चैप्टर 1 कंक्लूड करोगे तो बड़ा सौखा होगा, इफ यू ड्रॉ अ डायग्राम, प्लॉट ई प्लॉट वी, एंड दे कैपेसिटेंस ले दो। 4 मिनट्स। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट है, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट, ये बोलो इलेक्ट्रिक लाइंस आर, एदा एक्सपेरिमेंट किया सी, याद आ गया किसी का एक्सपेरिमेंट, अगर एक चार्ज बॉल नो टच करांगे, ठीक है, तो बॉडी ते चार्ज आ जाएगा, इस तरह बाल खड़े हो जाएंगे, आ गया याद आ गया, तुम क्या सी कि आऊगा बच्चे, इलेक्ट्रिक लाइंस लीव द सरफेस परपेंडिकुलर, दैट इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। मान लो कि एक चार्ज सरफेस पे है, एंड इफ देयर इज अ चार्ज, लेट मी अज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंपरेली अज्यूम इज नॉट नॉर्मल, बट इज एट सर्टन एंगल थीटा, दो कंपोनेंट बन गए, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट वो आऊगा ई साइन थीटा, फाइनल होना चाहिए, ठीक है, यदा मतलब भी समझिए, ई एन तेन उपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, दैट मीनस डिटैच करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द सरफेस, वट अबाउट दिस ई टी, ये की कर रहा है, ये इस तरह सरफेस से इस तरह मूव करने की कोशिश कर रहा है, अगर इस तरह मूव करता रहा तो पॉसिबल है, जे ये कंपोनेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो चार्ज क्या स्लिप करूगा इस तरह, जो कि होंदा भी है, बिगिनिंग च एक स्फीयर लिया, स्फीयर के उपर लिया के तुसी जिवें चार्ज रखोगे वह पहला तो मूव करूगा ही, जो तक मूव कर रहे हो तक असी स्टडी नहीं करना, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर की है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो तक चार्जेस एट रेस्ट नहीं हो जाते, when charge is at rest, ਉਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ, 0,
पर यूनिट चार्ज कितनी होगी, जीरो। दैट मीन्स व्हाट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ई कॉस थीटा कितना होगा, जीरो। ई तो जीरो है नहीं का, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट है, उसी कितना ही है, इनसाइड नहीं आउटसाइड। ई तो जीरो नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, कॉस थीटा इज जीरो। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, अगर पाई बाय टू है ऐसा मतलब, जो शुरू से थीटा ज्यूम किया था उन्होंने नवा डायग्राम बन गया कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। सो ई इज व्हाट, नॉर्मल टू द सरफेस। लिख लो, दो नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड च, प्रूव ई इज नॉर्मल टू द सरफेस। लास्ट पार्ट पढ़ो की है, फोर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की है। शील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, कवरेज, कवर। ठीक है, है बेसिकली की इफ देयर इज एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट, इवन ए ट्रांजिस्टर, रेडियो ट्रांजिस्टर, यदि गल करते हैं छोटा जा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर से ऑन कर लेते हैं, जो ऑन करते हैं, इफ यू स्विच ऑन और स्विच ऑफ, कोई भी लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दो तो ये डिस्टर्बेंस आती है, कहते करके देखा है। चलो अगर मोबाइल टीवी के नियर बाय पे है तो तुम्हें पता लग जाता है पहले ही, थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है, क्यों, वो आपस कनेक्टेड तो है नहीं गए, बिकॉज वो एक दूसरे की करते हैं अफेक्ट करते हैं, उन्होंने कहते नॉइस। There is a sensitive instrument and you have say a charge here, the charge jo lines niklan gaya chahe electric lines hai aur agge jaake padhange magnetic electromagnetic wave hai, oh jo pass kar jange jenu disturb kar denge, we want ki instrument nu affect na hove, fir assi ki karange, jehda instrument hai ede surrounding is vich ek magnetic field sorry material आयरन सॉफ्ट आयरन का मटीरियल बना देंगे, कनैक्टर भी हो, अच्छा कनैक्टर हो, करंट का भी तो फ्लक्स का भी, इतने फिर वही चार्ज रखोगे तुम, बोलो इलेक्ट्रिक लाइन जिमें टच कर, फील्ड इन साइड कनैक्टर इज जीरो, वो ये तो नहीं, इतने चार्ज आ जूगा एंड दिस लाइन विल लीव हियर, ये वो लाइन इस तरह पास करेगी, ये तो जाना नहीं गया, इस तरह जाके इधर निकल जाएगी, ये बोलो ये इफेक्ट आया, ये एक एग्जाम्पल हैगी है जी, तुम बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। जीरो लेवल मित्तल मॉल च गए, एंटर कितल लिफ्ट, उ जीरो लिखा होंगे, उपर जाना तो लिख प्लस वन लिखा होंगे कि नहीं, उ
ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ 1 2 3 ਤੇ ਜੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1 ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਫਲੋਰ ਹੈ 1 ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੂਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਅਗਰ ਨੋਰਮਲ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਰੋਡਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਰਨ ਰੋਡਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕੇਜ ਕਰਤਾ ਐਗਰੀਡ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਆਇਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਗਨਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਤੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕੈਨੋਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦੈਟ ਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਸਟਮਰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਯੈਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਆਵੇ ਉਹ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਸਟਰਸ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ EM ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਯੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਰ EM ਨੋਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੋਇਸ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਈਫਾਈ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਦਾ XYZ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਇਸ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸਮ ਸਿਗਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 37 ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ